प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए, दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए. Let Diwali be about lights and laddus and love and not pollution. तो दोस्तों, अभी अभी प्रियंका चोपड़ा का सिगरेट पीते हुए फोटो वायरल हुआ और सोशल मीडिया पर उस फोटो पर खूब बवाल भी मचा. और वो बवाल इसलिए मचा क्योंकि प्रियंका चोपड़ा ने दिवाली के पहले एक एड शूट किया था और उस एड में उन्होंने बताया था कि उन्हें अस्थमा है और दिवाली के फटाकों से उन्हें बहुत समस्याएं होती है, इसलिए दिवाली पर फटाके मत फोड़ो, उससे बहुत पॉल्यूशन होता है. तो दोस्तों, ये तो हो गया दोगलापन, पर अब हम बात करेंगे हिंदू त्योहारों पर होने वाले विरोध की. होली मत खेलो क्योंकि इससे पानी बर्बाद होता है. होली खेलकर कितना पानी बर्बाद कर देते हम लोग. शिवरात्रि पर आप लोग कितना दूध बहा देते हो, वही दूध गरीबों को पिला दो. होली दहन में आप कितनी लकड़ियां बर्बाद कर देते हो. कांवड़ यात्रा निकलती है तो आप कितनी सड़कें ब्लॉक हो जाती है और कांवड़िए गुंडागर्दी भी करते हैं. एक पीएल गैंग है जो सिर्फ हिंदू त्योहारों के खिलाफ पीएल डालता है. मैं उसके उदाहरण गिना सकता हूं. जब तमिलनाडु में जलकट्टू मनाया जाता है तो जलकट्टू के खिलाफ याचिका डाली जाती है. महाराष्ट्र में दही हांडी की हाइट के खिलाफ याचिका डाली जाती है. होली पे वाटरलेस होली, कलरलेस होली के खिलाफ एक कैंपेन चलाई जाती है. और अभी अभी अवार्ड वापसी गैंग ने पीएम को चिट्ठी लिखी जिसमें कहा गया है कि जय श्री राम का नारा भड़काऊ है और उसे युद्ध घोष बताया गया. मतलब जो भी जय श्री राम का नारा बोलेगा वो भड़काऊ है, वो दंगाई है. तो दोस्तों, इस प्रकार के सारे हमले किसी एक ही धर्म के मानने वाले लोगों के त्योहारों पर क्यों किए जा रहे और ये सारे विरोध हिंदू त्योहारों पर ही क्यों हो रहे. तो इस प्रकार के विरोध के पीछे कई सारे चौंकाने वाले कारण है जो आपको भी चौंका देंगे और कई लोग तो इस वीडियो को पूरा देख भी नहीं पाएंगे. तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा और समझिएगा क्योंकि आपके लिए ये वीडियो जरूरी है. दिस काइंड ऑफ अ बैन इटसेल्फ इज अबाउट ओनली वन रिलीजन, ओनली अबाउट हिंदू रिलीजन, एंड देयर सीम्स टू बी अ टेंडेंसी टू डू इट मोर फॉर हिंदू रिलीजन, एंड देयर मे बी मेनी रीजंस फॉर इट, बट आई हैव हर्ड लेट्स हैव अ वाटरलेस होली, लेट्स हैव यू नो गोविंदास शुडंट बी देयर, करवा चौथ पीपल टॉक अबाउट फॉर वेरियस रीजंस, मे बी देयर ऑल राइट रीजंस, बट यू कैन डू इट फॉर एनी रिलीजन, बट इट जस्ट सीम्स टू हैपन अ लॉट मोर फॉर हिंदुइज्म. एकता को तोड़ना, तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि हमारे देश में कई सारी ऐसी शक्तियां हैं जो देश के लोगों की एकता को तोड़ने का काम करती है. ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये दलित है, वगैरह वगैरह. जैसे एक जाति विशेष के लोग अन्य जातियों पर अत्याचार कर रहे हैं, अन्य जातियों को नीचा दबाया जाता है, आरक्षण हो, जाति हो या किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो, हर तरीके से कोशिश की जाती है कि हिंदू समाज बटे, दलित सवर्णों में ओबीसी में विवाद उत्पन्न हो. और इसके लिए कई सारी राजनीतिक पार्टियां भी काम करती है, कई सारे नेता भी काम करते हैं और कई न्यूज रिपोर्टर भी काम करते हैं और फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग भी काम करते हैं. और इनको दलितों से या पिछड़ों से कोई सहानुभूति नहीं होती. यदि आपको ऐसा लगता है कि इनको दलितों से या पिछड़ों से या किसी अन्य वर्ग से किसी भी प्रकार की कोई सहानुभूति है तो ये समझ लीजिए कि आपकी समझ थोड़ी कम नहीं, बहुत ज्यादा कम है. और इसके लिए कई सारी वेब सीरीज भी बनाई जाती है, कई सारी मूवी भी बनाई जाती है और देश में हुई घटनाओं को उभार कर बताया भी जाता है. सर, ये तीन लड़कियां अपनी दिहाड़ी में सिर्फ 3 रुपए एक्स्ट्रा मांग रही थी. 3 रुपए जो मिनरल वाटर आप पी रहे हैं उसके 2 या 3 घूंट के बराबर. उनकी इस गलती की वजह से उनका रेप हो गया सर. उनको मार के पेट पे टांग दिया गया ताकि पूरी जात को उनकी औकात याद रहे. पर दोस्तों, कई लोग सोच रहे होंगे कि इनका त्योहारों से क्या लेना देना. पर दोस्तों, इनका त्योहारों से लेना देना है. जैसे आप दिवाली देख लीजिए, होली देख लीजिए या कोई अन्य त्योहार देख लीजिए, ये सारे त्योहार हिंदू समाज को जोड़ने का काम करते हैं. होली खेलते समय कोई नहीं पूछता भाई कौन जात हो, सब मिलजुल कर होली खेलते हैं. दिवाली मनाते समय भी ऐसा कोई नहीं पूछता, बिना भेदभाव के दिवाली मनाई जाती है. कांवड़ यात्रा के दौरान दोस्तों क्या आप पता लगा सकते हैं कि कौन कांवड़िया दलित है, कौन सवर्ण है, या कोई भी धार्मिक यात्रा के दौरान क्या आप पता लगा सकते हैं कि इनमें से कौन दलित है, कौन सवर्ण है? क्या आप गणेश विसर्जन के दौरान भीड़ को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये दलित है? क्या आप नवरात्रि के समय गरबा देखने वालों को देखकर पता लगा सकते हैं कि ये दलित है, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है? या आप अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से कब मिलने जाते हैं? तो दोस्तों, आपके पास एक ही जवाब होगा, त्योहारों के समय. अधिकतर समय शायद त्योहारों के समय. बड़ी बात, मैं आज अपने दिल की बात बोल रहा हूँ कि इंडिया में सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों पर ही बैन लगते हैं. मैं ये बात सरे आम बोल रहा हूँ, कैमरे में बोल रहा हूँ.
तो कुल मिलाकर ये त्योहार कहीं ना कहीं भेदभाव को खत्म करते हैं और सभी जातियों को धर्मों को एक ही मंच पर लाकर खड़ा करते हैं और इससे भेदभाव भी कम होता है और कुछ लोगों के लिए यही समस्या का सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए दोस्तों जब कोई हीरो हीरोइन या कोई फेमस चेहरा किसी भी फिल्म या सीरीज के द्वारा ज्ञान पेला जाता है तो हमारी युवा पीढ़ी उनकी बातें मानकर त्योहारों का त्याग कर देती है और मन ही मन में धर्म के प्रति और अपने त्योहारों के प्रति उनका रवैया ठीक नहीं रहता और इन भोले भाले लोगों को पता ही नहीं रहता कि प्रकृति बचाने के पीछे कितने बड़े एजेंडे सेट है। इसलिए दिवाली में पटाखों से दूरी बनाने का ज्ञान पेलने वाली प्रियंका चोपड़ा अपनी शादी में जमकर आतिशबाजी करती है और बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने वाले जिससे कई गुना अधिक प्रदूषण फैलता है उनको एक दिन की आतिशबाजी से तकलीफ होती है। अपने घर में हजारों लीटर के स्विमिंग पूल में नहाने वालों को आम आदमी के एक बाल्टी पानी खर्च होने से पानी संकट गहराता हुआ दिखाई देता है। जो हमेशा 400 से 500 लीटर वाले बाथ टब में नहाते हैं और अपने एक बार के नहाने में इतना पानी वेस्ट करते हैं वो होली के समय पानी बचाओ का ज्ञान पेलते हैं। इसीलिए दोस्तों किसी भी तरीके से हिंदू त्योहारों का विरोध किया जाता है बल्कि इसके पीछे छुपे हुए कई सारे एजेंडे हैं जिससे समाज को विभाजित किया जाता है क्योंकि किसी की शक्ति को खत्म करने के लिए उनकी संस्कृति पर प्रहार किए जाते हैं और हिंदू धर्म के त्योहारों का विरोध इसलिए होता है ताकि हिंदू समाज एकजुट ना हो पाए वो एक मंच पर ना आ पाए। इंडियन फेस्टिवल इट इज अ हिंदू फेस्टिवल यस एंड इफ इंडिया डजंट प्रिजर्व दिवाली हु विल। आई वांट टू टेल यू वन थिंग यू आर सेइंग लाइट लैंप्स एंड ऑल वेरी गुड फॉर लिटिल किड्स दे विल गेट बोर्ड डूइंग दैट दे आर ऑलरेडी ऑन देयर फोन्स दे आर ऑलरेडी on their apps watching YouTube videos all day. Their excitement for a festival comes from the water and colors on Holi and the crackers on Diwali. Now you want kids to not have that. If they don't have it, they are not going to connect to Diwali. And we'll have a generation that grows up that will not be connected to Diwali. You want that? इसी प्रकार मध्य प्रदेश कांग्रेस की शिल्पी सिंह का ये ट्वीट देखिए जिसमें इन्होंने लिखा है एक कड़वा सच बताऊं 80% कांवड़िए अशिक्षित होते हैं बेरोजगार होते हैं और निठल्ले होते हैं वो सिर्फ मौज मस्ती के लिए घर से निकलते हैं। और इस प्रकार के ट्वीट से दोस्तों जो युवा पीढ़ी है वो अपने ही त्योहारों से दूर भागने लगते हैं कि कहीं लोग उनको भी अशिक्षित ना बोलने लग जाए निठल्ला और बेरोजगार ना बोलने लग जाए और ये मैडम मध्य प्रदेश कांग्रेस में है। इसी तरह दोस्तों ललन टॉप का ये आर्टिकल देखिए और ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों के लिए ही कहा जाता है और किसी धर्म के लोगों के लिए कहना इतनी औकात किसी भी पार्टी के नेता में नहीं है। तो इस प्रकार से त्योहारों के दौरान हिंदू धर्म सम्मिलित होता है एक दूसरे से जुड़ने लगता है और कई सारे लोग ये नहीं चाहते कि सब लोग जुड़े ये दलित और सवर्णों का भेदभाव थोड़ा कम हो और इसलिए त्योहारों का अलग अलग तरीके से विरोध किया जाता है। अब इसका एक उदाहरण दोस्तों आप मुगलों से भी ले सकते हैं क्योंकि मुगल कहीं भी जाते थे तो सबसे पहले वो हिंदू मंदिर तोड़ते थे उनके त्योहारों पर पाबंदी लगाते थे ताकि जो समाज में वो भेदभाव व्याप्त करे वो बना रहे और उनके खिलाफ बगावत नहीं हो। तो इसलिए दोस्तों आपके त्योहारों पर आपकी धार्मिक स्वतंत्रता पर इस तरह से प्रहार किए जाते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यस टाइप कीजिए और यदि आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो नो टाइप कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए। हम इसी तरह आते रहेंगे कुछ जानकारी भरे और कुछ देश हित में वीडियो लाते रहेंगे। डांडिया पे अभी 22 सितंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका डली है आप हैरान हो जाएंगे। उस याचिका में कहा गया है नवरात्रि में जो डांडिया होता है उस डांडिया के कारण नॉइस पोल्यूशन होता है डांडिया पे बैन लगना चाहिए वो अभी विचाराधीन है याचिका।